प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के नए आदेश आने के बाद महू में भी टोटल लॉकडाउन किया गया, जहां प्रशासन ने दोपहर 12 बजे दुकानें बंद करवाई तो वहीं बेवजह घूमने वालों को उठक बैठक भी लगवाई। महू तहसील में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन ने दोपहर 12 बजते ही टोटल लॉकडाउन कर दिया, जिसके बाद प्रमुख चौराहों पर पुलिस द्वारा सख्ती दिखाई जा रही है। बहरहाल तहसीलदार धीरेन्द्र पाराशर ने कहा कि बुधवार दोपहर 12 बजे से महू शहर व ग्रामीण इलाकों में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया। पाराशर ने कहा कि लगातार मरीज पड़ रहे हैं और अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। इंदौर कलेक्टर से आदेश मिलने के बाद टोटल लॉकडाउन किया गया है। देखिए, अगर बात करूँ 12 बजे के बाद से लॉकडाउन से, तो पुलिस अब पूरी सड़कों पर नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट चौक पे मौजूद है। यहाँ पे पुलिस जो बेमतलब में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं 12 बजे बाद भी, उनको रोक टोक कर रही है। रोक टोक करने का उनसे सवाल कर रही है कि आप बेमतलब में घर से क्यों निकले जब 12 बजे पूरा टोटल लॉकडाउन लग गया है। उसके बाद भी जो शहर की जनता है मानने को तैयार नहीं, लेकिन एक बार फिर अब पुलिस जो है शहर की सड़कों पर उतर चुकी है। यहाँ पे बेमतलब घूमने वालों को रोक टोक करते हुए नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस के जवान जो है यहाँ पे लोगों को रोक रहे हैं कि आप बेमतलब घरों से ना निकले। ये यहाँ पे कुछ लड़कों को जरूर पकड़ा है पुलिस ने, आप देखिए यहाँ पे उनसे उठक बैठक लगवाई जा रही है। ये जो बेमतलब घूम रहे थे यहाँ पे, हम बात कर लेते हैं जो संजय जाधव सूबेदार है उनसे, किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। अभी कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है और जो अवेयर नहीं है उनको समझाइश देके आज तो छोड़ रहे हैं और कल से इनको उनके साथ कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जाएगा। स्थायी जेल का बंदोबस्त कर दिया गया है और व्यवस्था कंप्लीट चल रही है तैयारी से। महू से अंजीत मोनू बाथम की खबर।